धक्का मार के बाहर निकाल दिया, बोल रहे थे क्या कि हम तुमको पुलिस में डालते हैं, थाना में डालते हैं, ये करते वो करते हैं बोले हैं। बोल रहे थे कि हमको अंदर जाने दीजिए, मेरा जिंदगी का सवाल है, फिर भी नहीं जाने दिए। अंदर गए तो मार उड़ के सबको निकाल दिया था। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स। आज पूरे बिहार में मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऐसे में बता दें जो मुजफ्फरपुर से खबर निकल कर आई है, जहां पर सिर्फ 2 मिनट लेट होने पर छात्राओं को जो है परीक्षा देने नहीं दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि इन्हें जो परीक्षा सेंटर के अंदर ले जाया जाता है, लेकिन बाद में जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी है वो निकाल देती हैं। आप सुनिए कि छात्राएं क्या कुछ कह रही हैं। अंदर गए तो मार उड़ के सबको निकाल दिया था। क्या मतलब क्या? मारे नहीं थे, सिर्फ धक्का डंडा लेकर दिखा रहे थे। हाँ, हुआ क्या था बताओ? कुछ भी नहीं हुआ, बस हम लोग गए 5 मिनट 2 मिनट थे। हाँ, अंदर गए थे हम लोग, उसके बाद में निकाल दिया। क्या बोला, कौन निकाला? पुलिस उसमें गया था, सिपाही थे ना, वही धक्का दे के निकाल दिए। बोले किसी नहीं एंट्री होगा। अब धक्का दिए तुम लोग को? हाँ। क्या बोले मतलब? बोले किसी नहीं जाने देंगे, जो अब हो गया खत्म हो गया टाइम, जो इतना टाइम के बाद नहीं जाने देंगे। कहाँ से आई? सकराबाजी से। सकराबाजी से आई? हाँ। कितना लेट हुआ था? 2 मिनट लेट हुआ था। 2 मिनट लेट हुआ? हाँ। रिक्वेस्ट किया था? हाँ, किए थे। क्या बोले? बोले थे किसी हमको अंदर जाने दीजिए, मेरा जिंदगी का सवाल है, फिर भी नहीं जाने दिए। नहीं जाने दिया? नहीं। क्या, कहाँ से आई हो? साढ़ा से। क्या हुआ था मतलब अंदर? सर, हम गए अंदर, उसके बाद में बोले हैं कि मैम तो अंदर जाने दीजिए, देने दीजिए। उसके बाद में फिर धक्का मार के बाहर निकाल दिया, बोल रहे थे क्या कि हम तुमको पुलिस में डालते हैं, थाना में डालते हैं, ये करते वो करते हैं बोले हैं। बस डांट के भगाए हैं, डंडा दिखाए हैं, उसके बाद में बाहर निकाल दिए धक्का मार के। धक्का मार के बाहर? धक्का मार के बाहर निकाले हैं। लेट क्यों हो गया कारण? कारण सर, वहाँ पे थोड़ा जाम लग गया है और दूर से आ रहे थे तो लेट हो गया 2 मिनट यहाँ पे। परसौनी रात से। क्या हुआ मतलब? हुआ हम लोग अंदर गए थे, 1:32 में अंदर गए, फिर सर बाहर पुलिस गार्ड ने बाहर निकाल दिए हैं। लेट हो गया जी, बस 2 मिनट लेट हुआ है। 1:32 में आए हैं। कहाँ से आई हो? परसौनी रात। क्या तुम? सर जैसे गए हैं ना हम लोग, तो वहाँ पुलिस अंकल है ना, उन बाहर निकाल लिया, डंडा से कहे जाओ जाओ यहाँ से, हम नहीं परीक्षा होगा। धक्का मुक्की जी, धक्का मार के बेलगा दिए। धक्का धक्का मार जी। आप भी परीक्षा छूट गई? जी छूट गई, गुलाबपट्टी से। काहे छूट गई? 2 मिनट लेट हो गए इसलिए। 2 मिनट लेट जी? आप काहे? हमको भी 2 मिनट लेट हो गए इसलिए छूट गया। क्या हुआ था अंकल जी, आप तो यहाँ थे? यहाँ हम थे नहीं, हम लेके आए थे मेरी बेटी की मतलब एग्जाम की परीक्षा, उस समय तो थे। हाँ, तो नहीं आ ही रहे थे, यही लेके आए, तो उसको भी तो नहीं इन्होंने दिया था ना 2 मिनट। आपकी बेटी को भी? वह तो सामने मतलब ये है, वो जब आए मोटरसाइकिल से, बस गेट बंद किया वहाँ से, मतलब बोले सर खोल दीजिए। 2:32 अगर उस समय गेट बंद हो रहा था, चूंकि गेट बंद हो रहा था, हम लोग धक्का उक्का दिए हैं तो फिर एक बार बंद कर दिया, फिर हम लोग धक्का दिए तो गेट खुल गया। खुलने के बाद में बच्ची लोग अंदर चली गई है। अंदर चली गई है। चलने गाने के बाद में 2-3 मिनट वहाँ पे रुकी है, फिर और बोले हैं कि पहले प्रिंसिपल को बुलाते हैं, तो प्रिंसिपल आए हैं, तो उसके बाद में जैसे कि आए हैं, उसके बाद में पुलिस के साथ सहारा लेकर धक्का मारकर हम यहाँ तक कि बोले भी हैं सर को, सर जेंट्स को क्यों, लेडीज पुलिस को बुलाइए बच्चे को निकालने के लिए, तो बोले तू ज़्यादा बोल रहा है, फिर डंडा लेके यहाँ डंडा शुरू कर दिया। और देख सकते हैं सीसी कैमरा लगा हुआ है, अगर हम पे नहीं विश्वास है तो सीसी कैमरा में लगा हुआ है। तो आपने इन छात्राओं को सुना जो सीधे तौर पे कह रही हैं कि सिर्फ ये 2 मिनट लेट हुई थी, जिसके बाद परीक्षा सेंटर के अंदर इन्हें ले जाया तो गया है, लेकिन जो वहाँ परीक्षा सेंटर के अंदर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे चेकिंग के लिए, उन लोगों के द्वारा इन्हें सभी छात्राओं को परीक्षा सेंटर के बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसे में बता दें कि आज पूरे बिहार में जो है 139 जगहों पर परीक्षा सेंटर बनाया गया है पूरे बिहार में। और ऐसे में मुजफ्फरपुर से ये खबर निकल कर आई है, जहां पर छात्राओं के द्वारा जिस सिर्फ 2 मिनट लेट किया गया था, उसके बावजूद जो है इन्हें परीक्षा सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।